नमस्कार, मैं हूं विदुषी और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। असम में एनआरसी लागू होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार असम का दौरा किया। एनआरसी के चलते असम से लगातार विरोध की खबरें आ रही थी, लेकिन हाल में ही हुए बोडो समझौते के बाद जैसे वहां की स्थिति पूरी तरह ही बदल गई हो। आखिर क्या है बोडो समझौता और किस तरह हुआ असम में मोदी का स्वागत, देखिए हमारी रिपोर्ट। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में दशकों से चले आ रहे आंतरिक संघर्ष पर विराम लगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 27 जनवरी 2020 को राजधानी दिल्ली में दशकों पुरानी बोडो समस्या के समाधान के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में भारत सरकार, असम राज्य सरकार, बोडोलैंड आंदोलन से जुड़े उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधि और असम के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी कि एनडीएफबी के सदस्य शामिल हुए। बोडो असम का एक समुदाय है जो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में आता है। ये समुदाय ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति है। बोडो समुदाय के लोग असम के मूल निवासी हैं तथा राज्य की कुल आबादी में इस समुदाय की हिस्सेदारी 5-6% से अधिक है। बोडो जनजाति के लोग दशकों से ब्रह्मपुत्र नदी के तट के ऊपरी क्षेत्र को एक अलग बोडोलैंड राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। बोडो समुदाय के लोगों का मानना था कि अन्य समुदायों की मौजूदगी से बोडो समुदाय के प्रभुत्व, पहचान और संस्कृति को खतरा है, लेकिन अच्छी बात है कि अब इस समुदाय और सरकार के बीच समझौते हो गए हैं। समझौते के 2 दिन के भीतर ही नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के अलग अलग गुटों के करीब 1615 उग्रवादियों ने अपने हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। समझौते के तहत क्षेत्र के विकास के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज रखा गया है। भारत सरकार और बोडो समुदाय के बीच इस समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कोकराझार पहुंचे। यहां स्थानीय परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। खुलुम्बाय नोथा मोनहा माबोरेदा नोथा मोनहा गोजो नबायना। मैं असम बहुत बार आया हूं, यहां पर भी आया हूं। इस पूरे क्षेत्र में मेरा आना जाना कई वर्षों से रहा है, कई दशकों से रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बार बार आपके दर्शन के लिए आता रहा हूं, लेकिन आज जो उत्साह, जो उमंग आपके चेहरे पर देख रहा हूं, वो यहां के ओरोनाई और डोखोना के रंगारंग माहौल से भी अधिक संतोष देने वाला है। बता दें कि नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ असम और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में हिंसा हुई थी, जिसके चलते पीएम इससे पहले पूर्वोत्तर के 2 दौरे टाल चुके थे। खैर, इस बार कोकोझार में पीएम का जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरे शहर में उत्सव का जैसा माहौल था। पीएम मोदी के आने से एक रात पहले असम का ये शहर लाखों दियों से ऐसे रोशन हुआ मानो दिवाली आ गई हो। असम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने हजारों की संख्या में उपस्थित असम वासियों को संबोधित किया और सभी देशवासियों को ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बनाया। तो ये थी बोडो समझौते और प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे पर हमारी पेशकश। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए हमारे चैनल चकाचक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।